हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे YouTube चैनल SK ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जिसका 27/12/2023 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएगा और 16/1/2024 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। फॉर्म जो है कि आपकी 27 तारीख से फिलअप किया जाएगी, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ चुका है। आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी आय और जाति OBC वालों की, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने वर्ष के बाद का होना चाहिए, किस दिनांक के बाद का होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, चेस्ट कितनी होना चाहिए, सिलेबस आपका क्या क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह इसका मेन साइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसके मेन साइट पे चले आएंगे। आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आप इसका मेन साइट देख सकते हैं। अगर आपको नोटिस पढ़ना है तो इस वाले सेक्शन पे जाएंगे, नोटिस वाला ऑप्शन पे। आप देख पा रहे हैं, नोटिस वाला ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से नोटिस को क्लिक करके नोटिस को पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ नोटिस को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको ऊपर स्क्रॉल करके ले जाते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको जूम इन किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। ये 100% है जिसमें आपको अच्छे से नहीं दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम इन किया था ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। ये इसका जो कि फुल नोटिफिकेशन है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी है, कब से ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं 26 पेज का है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, 19वीं तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यह विज्ञापन जो है इस साइट पे अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 52 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स ₹21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी के लिए 24,102 पद हैं, EWS के लिए 6,024 पद हैं, OBC वालों के लिए 16,264 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 पद हैं, यानी ठीक है। आपको यहाँ से टोटल पद आपको दिख रहे होंगे, टोटल पद आपके जो कि 60,244 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थी पात्र होंगे, ठीक है, यानी मेल या फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की समय सारणी, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं या जो कि आवेदन किया जाएगा, कब से आवेदन किया जाएगा, आप यहाँ से चेक कर पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है 27/12/2023 से इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा और जो कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 16/1/2024 है, ठीक है। और जो आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन जो किया है यूपी पुलिस के लिए 18/1/2024 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो कि ₹400 रखा गया है, मेल हो या फीमेल सबको जो कि ₹400 आपको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद आपकी अर्हता क्या होनी चाहिए, अर्हता यहाँ पर देख पा रहे 3.1 में आप जो कि भारतीय होनी चाहिए, आप देख पाए भारत का नागरिक हो, ठीक है। अगर आप तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्रयास से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके, आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है, यानी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या उसके समक्ष कोई भी आपके पास जो कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होगा। इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सम उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अधिमानी अर्हता, अगर आपके पास
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ी की हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिया हुआ अधिमानी अर्हता, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनसे नाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या अपने NCC बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है, आप इसके एलिजिबल आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यह है कि हमारी आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आयु के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए लिखा हुआ है आपकी कितनी आयु होनी चाहिए। तो पुरुष की जो आयु है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु जो कि अपनी पूरी कर चुका हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से पूर्व यानी 2 जुलाई 2001 से पहले का आपका नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके 2001 और 2005 के बीच का होना चाहिए, ना इसके पहले और ना इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी दिया गया है कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और उनकी जो अभ्यर्थी का जो जन्म है 2 जुलाई 1998 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं में थोड़ा सा जो कि गैप बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 98 कर दिया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 98 आपकी नहीं होनी चाहिए, आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, 98 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 97-96 है तो वो महिला इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आगे भी बताऊंगा, अगर आप OBC हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, तो आपको कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते चले जाएंगे, जो महत्वपूर्ण है मैं आपको वही प्रेफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आप अच्छे से नोटिफिकेशन को खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि लिखित परीक्षा, मैं आपको हाईलाइट करके आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4.1 में लिखा है लिखित परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। ठीक है, आपकी जो है प्रत्येक प्रश्न जो है कि आपका 2 अंकों का होगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। समय आपका रहेगा 2 घंटे। ठीक है, इसमें आपको 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है आपका जो कि निगेटिव मार्किंग का है, इस पर इन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, ऋणात्मक अंक प्रणाली का होगा। ठीक है, ऋणात्मक अंक प्रणाली प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न, मैंने शुरू में ही बता दिया 150 होगा। ठीक है, और आपका 300 अंकों का होगा। ठीक है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती के अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5, अब देख पा रहे हैं 0.5 अंक जो कि काट दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा यानी परीक्षा होगा वो AMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कितने से कितने तक किया जाएगा, आप देख पा रहे हैं लिखित परीक्षा जो होगी 1 से अधिक पालियों में अथवा 1 से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित कराए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन हेतु बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रकाशन विशेष सूचना 155/2023 दिनांक 18/23 में विहित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद आप इसको और थोड़ा सा और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ इस पूरे नोटिफिकेशन में कि आपको क्या क्या चाहिए। नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर PHT और PEST जो भी आपका रहा होगा, ठीक है, आपका जो भी रहेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब कुछ आपका रहेगा, इसको अच्छे से चेक करिए। देख पा रहे हैं शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शारीरिक मानक निम्नवत हैं। ठीक है, ऊंचाई यानी आपकी हाइट कितनी रहेगी। सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो हाइट रहेगी 1.68, अब देख पा रहे 1.68 सेंटीमीटर रहेगी कि होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई रहेगी
160 सेंटीमीटर रहेगी। नीचे आने के बाद आप देख पा रहे आपकी सीना यानी आपकी छाती यानी चेस्ट कितनी रहेगी। सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की जो माप रहेगी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद आप देख पा रहे महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई आप देख पा रहे हैं सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई यानी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, वजन महिलाओं के लिए 40 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं 40 किलोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, 40 किलोग्राम से कम महिला जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PEST। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहर्कारी प्रकृति की होंगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर्य होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, आप देख पा रहे हैं 4.8 लगभग आपका 5 किलोमीटर लगभग हो रहा है। ठीक है, आपका 25 मिनट में आपको दौड़ करनी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है, ठीक है, आपका 14 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, करनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं आपकी जो PET है, आप अपनी PET को अच्छे से पास करेंगी, आपके दौड़ जो भी आपकी रहेगी आपको निकालना पड़ेगा वरना आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा आरक्षण व आयु सीमा में छूट। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कितने आपको आयु सीमा में छूट चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद मैं आपको बारीक से बारीक चीजों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ कि OBC वालों को कितनी छूट मिलेगी, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी छूट मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्टिकल, आप यहाँ पर अच्छे से देख चेक कर लीजिए। अनुसूचित जाति के लिए 21%, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1944 यथा संशोधित है। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है आपको 5 वर्ष का दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए तभी आपको छूट दिया जाएगा वरना नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का आपका जो कि नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप जल्द से जल्द अपना आय, जाति और निवास ये तीनों जो है कि अपना बना लें ताकि आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएं। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, आप ये देख पा रहे जो जाति प्रमाण पत्र है, जिला अधिकारी या अतिरिक्त जिला अधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा जो कि जारी किया होना चाहिए तभी आपका मान्य होगा वरना यह कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहीं पे लिखा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष दिया जाएगा, वही आपका सेम प्रोसेस रहेगा। अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC वालों के लिए भी 5 वर्ष की जो कि आयु में छूट दी जा रही है, उनका भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो है कि यहाँ पर उसका सिग्नेचर होना चाहिए जो भी अधिकारी होंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम तो हॉरिजेंटल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, हॉरिजेंटल यानी जो स्वतंत्र सेनानी है, भूतपूर्व यानी एक सर्विसमैन है, ठीक है, होमगार्ड्स हैं केवल पुरुषों के लिए, तो उनके लिए जो प्रावधान दिया गया आयु में छूट दी गई है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद और भी डिटेल दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा ही हम नीचे आएंगे 13 नंबर पेज पे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित। ठीक है, कि अनुसूचित 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, OBC वाले जो अपने जाति बनाएंगे या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे अपना जाति बनाएंगे वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और जब तक यह फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उस समय तक का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर जाति है तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसा ही हम आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं DigiLocker के माध्यम से अपलोड करना। ठीक है, आप यहाँ पे एक नया अपडेट किया गया है।
ठीक है, जिसमें आप डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपना फोटो सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से आपको जो कि सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB या अधिकतम 50 KB का आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके 20 और 50 KB के बीच का ही आपका फोटो होना चाहिए। हस्ताक्षर आपका जो है कि 5 KB और 20 KB के बीच का होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख पा रहे हैं, यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए, यानी आपका जो कि लगभग जब ये फॉर्म आया है उसके 10-15 दिन पहले क्या हो सकता है या तुरंत का भी हो सकता है। ठीक है, आप अपना फोटो यह होना चाहिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अधिकतम चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, ठीक है, जो आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे आप 6 महीने पहले का 6 महीने भीतर का जो कि आप फोटो दे सकते हैं। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे इस फोटो को अपलोड करेंगे उनके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सफेद या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। इसके बाद मुंह बंद आंख खुली होनी चाहिए, कैमरे पर सीधी नजर हो। ठीक है, ये आपको जो भी आपका डिटेल आप इसको पढ़ सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिलेबस चेक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो जनरल नॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेंगे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सामान्य हिंदी में कौन कौन से जो कि सब्जेक्ट आएंगे वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में आपकी क्या रहेगी वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप आपकी यानी आपका मैथ में कौन कौन से चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से नीचे आएंगे तो रीजनिंग में आपके कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में हमने नोटिफिकेशन को बारीक से बारीक चीज़ों को आपको अच्छे से बता दिया है। तो आशा है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और ये फॉर्म जब ऑनलाइन किया जाएगा 27/12/2023 से, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।